हेलो प्लस वन क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी थोनू पता है कई पार्टिकल्स तो मिलके बनी हुंदी है। इहदे विच आपां इसकी कॉन्फिगरेशन मतलब आपां शेप ते साइज दे विच ज़्यादा चेंजेस नहीं लिया सकते। आपां एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी इस रिजिड बॉडी दे विच ज़्यादा चेंजेस नहीं आंदियां हैगियां। जे रिजिड बॉडी इरेगुलर शेप दी है मतलब इहदी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं हैगी, इरेगुलर है शेप एंड उहदे विच मास भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होया हुआ है, मतलब किसी पॉइंट ते ज़्यादा है मास किसी पॉइंट ते घट है, ता उसका आपां सेंटर ऑफ मास कढ़ना होवे तो आपां इंटैगरल कैलकुलस की वरतों करते हैं। जे बॉडी सिमिट्रिकल शेप की है ठीक है, उसकी शेप एक किसी खास सिमिट्री के विच है, दैन इसके सेंटर ऑफ मास की पोजिशन इसकी सिमिट्री का सेंटर जड़ा है जमैट्रिकल सेंटर जड़ा है उ सेंटर ऑफ मास होंगे। यह तुसी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अ रिजिड बॉडी इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूजे के बहुत नेड़े होंगे हैं, जदों आपां फोर्स लगाने तो उन्हां दे विच कोई खास चेंजेस नहीं आती होंदियां क्योंकि वो आपस बहुत ज़्यादा नेड़े होंगे। सो जिन्नी भी आपां इक्वेशन रिजिड बॉडी की पढ़िया ने यह सारिया आपां अप्लाई कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास की। जिहड़ी भी आपां बॉडी अलग अलग शेप लवेंगे, अलग अलग शेप का आपां सेंटर देखांगे, सिमिट्रिकल बॉडी का सेंटर तो जिहड़ा जमैट्रिकल सेंटर ही होएगा वही उहदा सेंटर ऑफ मास होएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच अ बॉडी इज सो लार्ज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द समेशंस ओवर इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन दीज इक्वेशंस। सिंस द स्पेसिंग ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल द बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जे इन्हां दे विच आपस दे विच स्पेस घट है तो आप ये कह सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूट होया हुआ कंटिन्यूसली होया हुआ है ठीक है, इस तरह नहीं हैगा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। वी सब डिवाइड द बॉडी इंटू एन स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल मासिस डेल्टा एम वन डेल्टा एम टू एंड अप टू डेल्टा एम एन। आइथ एलीमेंट ले लेंगे आप, उसका मास होएगा डेल्टा एम आई ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स आई वाई आई एंड जेड आई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी दिस, यह तुसी ऑलरेडी पढ़ के आए हो पिछली वीडियो दे विच ठीक है, इस दे विच जस्ट रिपीट करा रही हूँ मैं, यू आर फेमिलियर विद दीज इक्वेशंस। If n is made bigger and each delta mi smaller and smaller, these expressions become exact. In that case, we denote the sums over i by integrals. मैं थोनू पहला ही कह के आई हाँ कि आप इंटीग्रल कैलकुलस दे नाल जे कोई बॉडी इरेगुलर शेप दी है और उहदे विच नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो आप सेंटर ऑफ मास कढ़ना है तो आप इंटीग्रल कैलकुलस नाल कढ़ांगे। जेड़ा आप सिग्मा डेल्टा एम आई लिया सी ओहो बन जाएगा इंटीग्रल डी एम एंड सिग्मा डेल्टा एम आई इंटू एक्स आई बन जाएगा इंटीग्रल एक्स इंटू डी एम ठीक है, इस तरह ही वाई कोऑर्डिनेट्स का एंड जेड कोऑर्डिनेट्स का। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास नाउ आर
इक्वेशन अपनी इस तरह चेंज हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स विल बी 1/m इंटीग्रल एक्स इंटू डी एम, इस तरह ही वाई दा, एंड जेड सी एम। ठीक है, यह केस आपां केड़ा डिस्कस कर रहे हैं, जदों एन बिगर एंड बिगर हो जाते हैं एंड एम आई स्मॉलर एंड स्मॉलर हो जाता है। द वैक्टर एक्सप्रैशन इक्वलेंट टू दीज थ्री स्केलर एक्सप्रैशन इज वैक्टर आर सी एम विल बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रल वैक्टर आर इंटू डी एम, राइट। ये तुसी याद रखना है। हुण आपां एग्जाम्पल लैंदे हां, सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रोड, अपने कोल एक रॉड है, थिन है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास की होएगा, दिस इज द रोड, यूनिफॉर्म थिन रोड, ओरिजन है ओ, मास ले लिया अपन डी एम, स्मॉल एलिमेंट मास डी एम, जेड़ा कि ओरिजन तो एक्स डिस्टेंस ते है, एंड दूसरी साइड माइनस एक्स डिस्टेंस ते, ओरिजन दो दूसरी साइड लवेंगे तो माइनस एक्स लवेंगे नेगेटिव साइड, कंसीडर अ थिन रोड हुज रेडियस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोड इज मच स्मॉलर दैन इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ दे कंपेरिटिवली यदा रेडियस बहुत घट है, आप पहले ही किया कि थिन रॉड है, ये ओरिजन ओ है, जमैट्रिक सेंटर है रोड का, ये जमैट्रिकली जी आप इस रोड का सेंटर कढ़ांगे तो ओ आएगा, एंड एक्स एक्सिस टू बी अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, एक्स एक्सिस वाल ही यदि लेंथ है रोड दी, वी कैन सी दैट ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री फॉर एवरी एलिमेंट डी एम ऑफ द रोड एट एक्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ द सेम मास डी एम लोकेटेड एट माइनस एक्स, क्योंकि यह यूनिफॉर्म है रोड, तो ओ पॉइंट तो पॉजिटिव साइड जिन्ना मास डी एम लिया तो नैगेटिव साइड भी उन्ना ही मास डी एम होएगा। द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी सच पेयर टू द इंटीग्रल एंड हैंस द इंटीग्रल एक्स इंटू डी एम इटसेल्फ इज जीरो। ठीक है, पॉजिटिव साइड एंड नैगेटिव साइड जदों आपां नैट कंट्रीब्यूशन लवेंगे हरेक पेयर का ओरिजन तो दोनों साइड लैफ्ट साइड एंड राइट साइड दो दो पेयर बनावेंगे, दोनों पेयरस का इंटीग्रल लवेंगे, दैन इंटीग्रल इन्हों का की होएगा दोनों साइड्स का जीरो हो जाएगा। द पॉइंट फॉर विच द इंटीग्रल इटसेल्फ इज जीरो इज द सेंटर ऑफ मास, मतलब मिड वे ते रोड दे मिड वे ते जड़ा हैगा सेंटर ऑफ मास होएगा। दस सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होमोजेनियस थिन रोड कोइंसाइड्स विद इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, जेड़ा ज्योमेट्रिक सेंटर होएगा रोड दा ओही उसका सेंटर ऑफ मास होएगा। इस तरह ही अपना अलग पहला रोड की शेप ली है, रिंग की भी ले सकते हैं, डिस्क की भी ले सकते हैं, स्फीयर की या थिक रोड की, इन्हों के सेंटर ऑफ मास देखांगे। द सेम सिमेट्री आर्गूमेंट विल अप्लाई टू होमोजीनियस रिंग्स डिस्क स्फीयर और इवन थिक रोड ऑफ सर्कुलर और रिक्टेंगुलर क्रॉस सैक्शन। ठीक है, जिहड़ा आपां इंटीग्रल वाला आर्गूमेंट लिया है यह सारी सिमेट्रिकल शेप्स से अप्लाई होएगा।
For all such bodies, for every element dm at a point x, y, z, one can always take an element of the same mass at the point minus x, minus y and minus z. एक साइड आपका कोऑर्डिनेट लेना है एक्स वाई जेड, दूसरी साइड लेना है माइनस एक्स माइनस वाई जेड. इंटीग्रल इन आदर ऑपोजिट पेयर्स हो जाएंगे, सो आंसर विल बी जीरो. मतलब जेड़ा ओरिजन है, रिफ्लेक्शन सिमिट्री है इन आ बॉडीज दी. ठीक है, हुन तुसी ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा. सी द डायग्राम्स, स्फीयर द है या रिंग कह लो, रिंग द सेंटर ऑफ मास है. दिस नेक्स्ट इज स्फीयर. ठीक है, फर्स्ट रिंग है, देन स्फीयर है. स्फीयर द सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिक सेंटर ही है. ठीक है, यह थ्री अलग अलग थोनू शेप्स दिखाई हुई हैं, रिंग, डिस्क, स्फीयर. इन्हां दे सेंटर ऑफ मास दिखाए हुए हैं. इस तरह ही थिक रोड का सेंटर ऑफ मास, राइट. सिमिट्रिकल जिहड़ी बॉडीज हैं उन्हां दे सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर ही हुंदे हैं, राइट. इन्हां दे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने बहुत ईजी हैं. होमोजीनियस बॉडीज़ हैं, रेगुलर शेप है इन्हां दी. ठीक है, इस तरह ही तुसी यूनिफॉर्म कोई होलोस्फीयर है अपने कोल, उहदा सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन की होएगी, सेंटर ऑफ द स्फीयर. जे सॉलिड स्फीयर है तां वी उसका सेंटर, चाहे रिंग है, चाहे डिस्क है, चाहे रोड है, इन्हां दा सारयां दा सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है. कुछ पॉइंट्स आपां माइंड च रखने हुंदे हैं जदों आपां सेंटर ऑफ मास देख रहे हां. कोऑर्डिनेट सिस्टम ते डिपेंड नहीं करता हैगा किसी बॉडी दा. जे आपां सेंटर ऑफ मास कढ़ना होवे, उहदी पोजीशन कढ़नी होवे, तां उह उसदे कोऑर्डिनेट सिस्टम ते डिपेंड नहीं करता हैगा. सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन बॉडी दी शेप एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ते डिपेंड करती है. सो यह बॉडी दे विदिन भी हो सकता है या आउटसाइड भी हो सकता है. सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन चेंज हो सकती है जदों यह ट्रांसलेटरी मोशन च है. रोटेटरी मोशन का कोई इफेक्ट नहीं हुंदा हैगा, बट ट्रांसलेटरी मोशन दे विच सेंटर ऑफ मास दी पोजीशन चेंज हो सकती है. यही कंसेप्ट जिहड़ा सेंटर ऑफ मास का है, इस दे नाल आपां लॉ ऑफ मकैनिक्स भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ मकैनिक्स दे विच आपां पॉइंट मास लैने हुंदे आ जिहड़ा कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ लई भी वैलिड हुंदा है. जे अपन डिफरेंट पार्ट्स दे विच सेंटर ऑफ मास पता है, दैन अपा उस बॉडी दे अलग अलग पार्ट्स नू कंबाइन करके भी एक जगह ते मास नू कंसंट्रेट करके सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं. कई बॉडीज जिस तरह सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इन्हां दा सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमिट्री हुंदा है, राइट. इस तरह तुसी सेंटर ऑफ मास अलग अलग शेप्स दी फाइंड आउट कर सकते हो. सो इट वाज आवर टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी. इट्स वेरी इजी. सो नेक्स्ट टॉपिक नाल आपां जल्दी ही मिलते हैं. टिल देन टेक केयर.